हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ये देखिए कि कितना टेस्टी है, डिलीशियस है। आज हमने अपने किचन में अरवी के पत्ते बनाए हैं, जो बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बनाए हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बहुत से लोग ये समझते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, बट ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दी बनते हैं। तो आप मेरे तरीके से बनाइए। फ़ोन की वजह से ये दिख नहीं रहे हैं, इसमें कलर चेंज हो गया है, बट ये बहुत टेस्टी यम्मी डिलीशियस से लग रहे हैं। तो अगर ज़रा से भी आपको टेम्पटिंग से अच्छे से लगे मेरे अरवी के पत्ते दिखने में, तो फिर आप ज़रूर बना के देखिएगा, खा के देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है। तो फिर चलिए बनाते हैं हनीफा के किचन में हनीफा के साथ अरवी के पत्तों की रेसिपी। चलिए तो सब फिर हम अरवी के पत्ते बनाना शुरू करते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से खोल के धो लिया है, आप भी अच्छे से धो लीजिए। और मैंने इसका सारा पानी इस टाइप से झाड़ झाड़ के निकाल लिया है। तो अब हम इसे बनाना सिखा देते हैं आपको। तो हमें इसे डंडी से इस टाइप से इसे कट कर लेंगे, ये देखिएगा ऐसे करके। अगर कोई ख़राब पत्ता हो तो आप उसे काट लीजिए, खैर मेरे कोई ख़राब पत्ते नहीं है, बहुत ताज़ा पत्ते हैं। हाँ, लाइट की कमी हो सकती है बेशक, क्योंकि लाइट चली गई है, इन्वर्टर चल रहा है, तो इसलिए इस टाइप से हम अपने सारे पत्ते कट कर लेंगे। ये डंडी इसकी हटा लेंगे। तो ये देखिएगा, इस टाइप से हमने इसकी सारी डंडियाँ काट ली हैं। तो अब इसे हम साइड से रखते हैं, अपना डो के लिए तैयार होते हैं, जिसमें हम ग्रेवी लगाएंगे उसके अंदर। तो ये मैंने बेसन लिया है, एक प्याली बेसन होगा। इसमें थोड़ा हम सामान डालेंगे, इसमें जीरा लिया है मैंने, आधा चम्मच नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मेरी अच्छी वाली हींग है, जैसे मैं हर बार आपको बताती हूँ। तो इसे मिक्स कर लीजिए, आप नमक छक भी सकते हैं बाद में, अगर कम हो तो आप और ऐड कर दीजिए। इसे अच्छा से पतला सा घोल बना लीजिए, विदाउट लम्स, इसमें ज़रा सी भी कांटे नहीं रह जाए। अगर गुड़ी रह गई तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। अगर बेसन ज़्यादा भी हो गया तो कोई बात नहीं, आप ये मेरी हींग लगी रह गई थी इसमें, तो ये मेरी हींग भी आ गई। बेसन ज़रा सा भी बच गया तो कोई बात नहीं, आप इसमें प्याज आलू डाल के आलू के पकौड़े बना सकते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, ये देखिएगा मैं इतना ही पतला चाहिए। इसे अच्छे से हमसे इसे फैट लेंगे, जैसे इसके लम्स चले जाएँ। इस टाइम आप अपनी नमक में टेस्ट कर लीजिए, कम ज़्यादा हो तो आप कर सकती हैं। ये देखिएगा हमने नमक मिर्च चख लिया, हमें जैसा चाहिए था वैसे ही है इसमें। तो हम इसमें लगाएं पत्ते लगाएंगे। तो इसके पत्ते कैसे लगाएंगे, आप एक सबसे बड़ा वाला पत्ता इसमें छाट लीजिए, कौन सा है जो साबुत और बड़ा हो। सबसे पहले हम उस पत्ते को नीचे लगाएंगे इस टाइप से, और फिर इसे हाथ से लगाएंगे अच्छे से। आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रही हूँ। अच्छे से आप अपना हाथ धो लीजिए, फिर मैंने तो अपने हाथ अच्छे से धो लिए। एक पत्ता लगा लिया, इसी टाइप से हमने दूसरा पत्ता इसके ऊपर सेट कर लिया, उस पर भी ऐसे ही बेसन लगा लिया। बेसन ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना, अगर ज्यादा गाढ़ा रखा तो उसकी लेयर मोटी मोटी बनेगी, तो ज्यादा मोटी लेयर अच्छी नहीं लगती, तो पतली लेयर अच्छी लगती है, इसलिए बेसन को आप पतला ही रखिएगा। इस टाइप से हम सारे पत्तों को ऐसे ही लगा लेंगे। हम इसके दो रोल बनाएंगे, तो चार से पांच पत्ते हो जाएं। तो आप ये देखिएगा अच्छे से एक से दो। अब इसे कर्ट्स की हम एक बंडल सा बना लेंगे, इसे इसी ही शेप में हम इसे बिल्कुल रोल करेंगे, जिस शेप में ही पत्ते रोल होते हैं। अगर हमने किसी भी अलग शेप में करा तो ये बिगड़ जाएगा, तो हमें इसे लंबे लंबे शेप में ही इसे रोल करना है। ये पत्ता टूट गया तो ये नेक्स्ट में लगा देंगे, कोई बात नहीं। इस स्टेप से आपने बंडल तैयार कर दिया, ये देखिएगा हमारा एक बंडल तैयार हो गया, इसे हमने साइड से रख दिया। इसी टाइप से सेम प्रोसीजर हम अलग बंडल यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिएगा हमने इस तरीके से दो बंडल अपने बना लिए हैं, एक बंडल हमने ये बनाया है, एक बंडल हमने ये बनाया है। बेसन की मदद से हम इसे अच्छे से एक दूसरे से चिपका देंगे। स्टॉप कर दीजिए। ये देखिएगा हमने कढ़ाई ले ली है और इसमें अच्छे से पानी गर्म कर लिया है हमने, और अब हम इस पत्तों को स्टीम लगाएंगे। तो इसके लिए हमने अब लकड़ियां, वैसे तो पुराने जमाने में लोग बाग लकड़ी रखते थे, तो मैं लकड़ी वगैरह तो मिल जाएंगी मेरे बेसमेंट में, बस मैं
आपके लिए इजीली बताती हूँ आप लकड़ी का वगैरह का इंतजाम कहाँ से करेंगे। तो ये दो जो हमने बंडल बनाए थे तो वो हम स्टेप्स इस पे रख देंगे। ये देखिएगा हमने सेकंड बंडल भी इस पे इसी टाइप से रख दिया है। तो जब हम बंडल रख जाएंगे तो उस पे एक साइड से स्टीम लग रही है, आप देखिएगा सारी स्टीम निकल रही है। तो कोई बात नहीं, हम आपकी वो स्टीम भी वेस्ट नहीं होने देंगे। तो उसको हम इस टाइप से ऐसे करके ढक देंगे तो जितनी भी स्टीम लगेगी तो इससे स्टीम के ऊपर मतलब इससे लग के तो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब 5 मिनट बाद हम इसे पलट कर देखेंगे, अगर कढ़ाई में पानी खत्म हो जाए तो आप 2 ग्लास और डाल दीजिए। देखिएगा जब हमने पैन बर्तन अपना हटा के देखा और फ्लेम इसकी बंद कर दी तो ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं, आप गर्म पे हटा दीजिएगा। तो ये देखिएगा मैंने अलग कर लिए, सारे इजीली उठ जाएंगे और अब इसे कट कर लेंगे हम। तो ये देखिएगा अब इसे हम कट कर लेंगे अच्छे से। इस टाइप से अंदर से भी देखिएगा कितने अच्छे से गल पक चुके हैं, इसमें बेसन बिल्कुल अच्छी से क्वांटिटी में पक चुका है। ये देखिएगा अब हमने ऐसे अपने सारे बेसन के पत्ते कट कर लिए। तो ये देखिएगा एक कढ़ाई में हमने मस्टर्ड ऑयल प्रीहीट होने रख दिया था और ये प्रीहीट हो ही रहा है। तो ये करीब 2 बड़े प्याले हैं, आप तेल की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रखिए, जैसे भी आप कम ज्यादा चाहें। तो इसमें हम ये इसके जो अरबी के पत्ते थे वो पीस हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, थोड़े संभाल कर ही करिए, जीरे होते हैं तो उछल के आने का फुल भी चांसेस रहता है आपके पास। आप मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट क्या करें, मजबूरी है, पकाना तो पड़ता है और दिखाना भी पड़ते हैं। तो आप फ्लेम फुल कर लीजिए इस टाइम, थोड़े धीरे धीरे से ही चलाइए क्योंकि अगर आपने ज़्यादा चलाया तो ये पत्ते खुल जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा बेसन नहीं लगाया, ज़्यादा बेसन लगाने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, फिर बेसन का ही टेस्ट आता है, पत्तों का टेस्ट नहीं आता। तो हम 2 से 3 बार ही चलाएंगे सिलसिले से, बस इतना ही हमें फ्राई कर लेना है और फ्लेम अपनी फुल कर लेना है। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं होते, बहुत इजी रेसिपी है, बस आप मेरी मुझे फॉलो करती जाइए। और प्लीज़ बीच में आप स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत से स्टेप छूट जाते हैं, तो फिर अभी के पत्ते आपके मेरी तरह नहीं बने, फिर आप बाद में कंप्लेन मत करिएगा कि मेरे पत्ते आपकी तरह नहीं बने। तो बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत सी लेडीज़ नहीं बनाती घर में, उन्हें बहुत टफ लगता है, उन्हें अच्छे नहीं लगते। अच्छा तो फिर तो अगर बहुत से लोगों को ये पत्ते पसंद नहीं आते तो मेरी तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लंबे डिलीशियस से लगेंगे, आई प्रॉमिस यू। अच्छे नहीं लगे तो कुछ भी वापस नहीं हो सकता, नए पैसे वापस, नई रेसिपी वापस। तो अगर आपने फ्राई नहीं करे तो ये खुजली भी देंगे अलग में खाने में, तो इसलिए अच्छे से फ्राई कर लेना। बाद में नहीं कहना कि अरबी के पत्ते खाने से खुजली हो गई, एक बात और आपको बताते हैं, ऐसे खाने से खुजली भी हो जाती है और इसके अरबी से तो बहुत ज़्यादा होती है हाथों में। तो मैंने उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, आप मेरा चैनल पर देख सकते हैं, अरबी की बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत ईजी रेसिपी है। एक्स्ट्रा सबसे अच्छी बात ये रहती है मेरी मेरी रेसिपी में, मैं एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डालती, तो वो मसाले वगैरह डालने से अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो आप मेरे तरीके से बनाइए, बहुत सिंपल फ्लेवर रहता है मेरा। तो इस तरीके से हम अपने सारे पत्तों को फ्राई कर लेंगे, ये देखिएगा आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी सॉस से जिससे चाहें उससे, खैरे सॉस से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी से लगते हैं, अरबी के पकौड़े स्टाइल में लगते हैं। मैं अरबी के पकौड़ों की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जल्दी, टाइम की मसरूफियत से मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं मिलता। तो ये देखिएगा इसी तरीके से हम अपने और पत्ती भी फ्राई कर लेंगे, फ्लेम अपनी फुल रखेंगे, थोड़ा सा रोगन इसमें ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि ये सारे रोगन पी जाते हैं। तो देखिएगा मैंने कितना सारा इसमें तेल रखा था और आप देखिए देखते देखते इसमें कितना सारा कम रह गया। तो इसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे,
सीधे इसी तरीके से हमें अपनी चारों सारे पत्ते फ्राई कर लिए। तो अब हम इसे छौकेंगे पत्ते को। ये देखिएगा, हमने एक गार्ड, जैसे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इतनी बड़ी एक गार्ड कप, एक प्याज का पीस लिया। इसमें आधी गार्ड मैंने जिंजर गार्लिक के साथ पीसी है, यानी लहसुन अदरक के साथ, और आधी गार्ड के मैंने चॉप कर लिया है। तो उसे तेल में मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब इसमें मैं जिंजर गार्लिक, जैसे मैंने दो चम्मच जिंजर रख लिया, दो चम्मच गार्लिक रख लीजिए और आधा चम्मच आधा प्याज रख लीजिए। ये मेरा होममेड है तो इसलिए ज़्यादा हो गया, तो फ्लेम हम फुल कर लेंगे। फ्लेम फुल करके इसे गोल्डन हम फ्राई कर लेंगे। देखिएगा हमारी प्याज गोल्डन हो गई। इसके बाद हम अपना लहसुन डाल देंगे। फ्लेम अपनी स्लो करते हैं। अब थोड़ा सा मसाला हम अपने डालेंगे। इसमें हमने एक चम्मच हल्दी लिया है, आधा चम्मच नमक, वो सॉरी मिर्च अपने टेस्टी के अकॉर्डिंग, एक चम्मच धनिया लिया है। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। बस हम इसमें साबुत नमक डालेंगे, तो मैंने इतना नमक लिया है। अगर आप साबुत नमक डाल दिए तो आप आधा चम्मच नमक डालिए और फ्लेम फुल करके हम इसका मसाला अच्छे से भूनेंगे, जिससे इसका कच्चापन चले जाए और इसमें ऑयल रिलीज हो जाए। तब हम इसका मसाला भूनना बंद करेंगे इस स्टेप से। स्लो मीडियम फ्लेम पे आप लगातार चलाते हुए आप इसका मसाला पीस भूनिए। ये देखिएगा, थोड़ा सा हम इसे और भूनेंगे तो इसका ऑयल रिलीज हो जाएगा इसमें से। तो ये देखिएगा, 5 मिनट में 10 मिनट में करीब हमारा सारा मसाला भून गया। हमें फुल फ्लेम पे थोड़ा सा इसे और भूनना है, क्योंकि जरा सा भी कच्चा नहीं रहे, कच्चा रहेगा तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिएगा, ये हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और अभी आपको पत्ते बिल्कुल नहीं डालना। अगर आपने इस टाइम पत्ते डाल दिए तो वो पत्ते सारा पानी पी जाएंगे, इसको खुश्क कर लेंगे और फिर टेस्ट नहीं आएगा इसमें। तो हम इसको बॉयल होने का इसका वेट करेंगे, जब ये पानी बॉयल हो जाएगा उसके बाद हम इसमें पत्ते डालेंगे। थोड़ा सा पानी में इसमें और ऐड करते हैं और इसे लिड ढक देते हैं कोई बड़ा सा, जिससे इसमें बॉयल जल्दी आ जाए। तो ये देखिएगा, हमें बिल्कुल इतना ही पानी चाहिए। तो अब हम इसे अपने सारे पकौड़ों को, बेसन की जो हमने सॉरी यूज कर दी है, वो हम सारे इसमें डाल देंगे। अब फ्लेम अपनी स्लो मीडियम कर देंगे और इसे ढक देंगे अच्छे से, हम इसे किसी प्लेट से कवर कर देंगे। देखिएगा, अब हमारे अरवी की पत्ती बनके तैयार हो गई। ये अभी पनीर तो इसमें हल्का सा शोरबा दिख भी रहा है, थोड़ी देर के बाद ये सारी पत्ते पी जाते हैं। और हमने इसमें थोड़ा धनिया लिया, आधा चम्मच हमने इसमें गरम मसाला लिया है जो कि मेरा होममेड है, वो भी मैं इसमें मिला दूंगी। और ये देखिएगा कितने यम्मी डिलीशियस टेस्टी से हमारे अरबी के पत्ते बनके तैयार हो गए। अगर जरा से अभी आपको मन करे अरबी के पत्ते मेरी स्टाइल से बनाने के, तो बनाकर देखिए, खाइए, खिलाइए और बताइए टेस्ट में कैसे लगे हैं। तो अगर ज़रा से भी मेरे आपको अरबी के पत्ते अच्छे लगे तो प्लीज़ बनाइए, बताइए और कैसे लगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सभी कर देना। फिर मिलेंगे इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।